जिन बच्चों ने अप्रैल 2024 में एग्जाम दिए हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं कि सर हमारी ओरिजिनल मार्कशीट कब आएगी। इसके अलावा जो ऑन डिमांड में जिन बच्चों ने एग्जाम दे चुके हैं जुलाई के अंदर या फिर अगस्त के अंदर, तो वो बच्चे भी परेशान है कि सर हमारी ओरिजिनल मार्कशीट कहां से मिलेगी और कब तक हमें मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ओरिजिनल मार्कशीट के बारे में कि कहां से आपको इस तरह की हार्ड कॉपी ओरिजिनल मार्कशीट मिलने वाली है दसवीं और बारहवीं क्लास को दोनों को और कब तक मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले अप्रैल 2024 वाले बच्चों की। तो अप्रैल 2024 वाले बच्चों की मार्कशीट सभी आपके स्टडी सेंटर पे आ चुकी हैं, तो आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहां से आप अपनी मार्कशीट की हार्ड कॉपी ले सकते हो। तो इस तरह की आपकी मार्कशीट ये आती है। इसके अंदर आपको यहाँ पर एक तो मिलेगा आपको ये मार्क्स स्टेटमेंट जिसको रिजल्ट बोलते हैं मार्कशीट, और एक मिलेगा आपको माइग्रेशन। तो दो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, माइग्रेशन और साथ में आपकी स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स यानी कि रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाले। तो यहाँ पर जो है आपका 10th क्लास को 12th क्लास का दोनों का कलर अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं 10th की तो 10th का आपका होता है हल्का रेड सा, और अगर मैं बात करता हूँ 12th क्लास की तो उनका ग्रीन कलर की मार्कशीट ये आपकी होती है। काफी सारे बच्चों का इशू आ रहा था कि सर फोटो या डेट ऑफ बर्थ का इशू था, वो सबका ज्यादातर सोल्व हो चुका है, ओरिजिनल मार्कशीट जो हार्ड कॉपी आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप अपने स्टडी सेंटर से जाके अपनी हार्ड कॉपी ला सकते हैं, और कोई भी आपसे वहां पर पैसे की डिमांड करता है तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, ये आपको बिल्कुल NS की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आप अपने स्टडी सेंटर पे जाएं और वहां से जाकर के अपना आई कार्ड दिखा के उनको वहां से अपनी ओरिजिनल मार्कशीट ला सकते हैं और आगे अपना यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे को यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने में दिक्कत आ रही है तो वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, या फिर कोई भी स्टडी सेंटर वाला अगर आपको मार्कशीट या देने में कोई भी दिक्कत करता है या आपसे पैसे की डिमांड करता है तो हमारी तरफ से जो भी हेल्प होगी हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑन डिमांड वालों की। तो ऑन डिमांड वाले बच्चों के जब एग्जाम कंडक्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले इनका रिजल्ट आएगा, तो 45 डेज बाद इनका लगभग रिजल्ट आ जाएगा। जिन बच्चों ने जुलाई के अंदर एग्जाम दिए हैं तो उन बच्चों का सेप्टेम्बर के स्टार्टिंग में उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद वो उनको अपनी मार्कशीट ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ेगी। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ही उनकी मार्कशीट उनके एड्रेस पे आएगी, उनको कहीं नहीं जाना, ना उनको स्टडी सेंटर पे जाना होता क्योंकि उनका कोई स्टडी सेंटर ही नहीं होता। उन बच्चों को मार्कशीट अपनी ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ेगी, अपने डैशबोर्ड में जाके वो अप्लाई कर सकते हैं, जो भी चार्ज होगा वो पे करना पड़ेगा और वो आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगी जो भी आपने एड्रेस फिल किया हुआ है उसके अंदर। फिर भी आपका मार्कशीट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स रह जाता है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी।